गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यार, आज का दिन बड़ा ही अजीब है। नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है यार। नॉट इन स्टेट टू टॉक, नॉट इन स्टेट टू यू नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एकदम ऑल ऑफ द सडन बिल्कुल अलग सा फील हो रहा है। तो बेंगलोर में क्लाइमेट बहुत ठंडा है अभी, और मुझे साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। आई डोंट नो आप लोग यहाँ व्लॉग में देख पाओगे या नहीं, मेरे नाक की ये साइड की जो हड्डी है ना, ये साइड मतलब मेरा लेफ्ट साइड, आपका भी लेफ्ट साइड, तो ये साइड की जो हड्डी है वो थोड़ी टेढ़ी है, डाइवर्टेड है, तो उसके वजह से ये वाला नोज़ हमेशा ब्लॉक्ड होता है। तो ये वाला जो नेज़ल होता है ये पूरा काम करता है, जिसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस वगैरह होने का डर रहता है। तो अगरबत्ती का धुआं, ज़्यादा पोल्यूशन, डस्ट, या अगर मेरे बेडशीट पे या पिलो पे किसी भी तरीके की गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, तो मैं बहुत जल्दी साइनोसाइटिस का शिकार बन जाता हूँ। सो कल हुआ था ये गाइस के कल हमारे घर में थी एक पूजा, सती माता की पूजा होती है। ये पूजा करने के लिए सुबह जल्दी नहाना पड़ता है। मम्मी ने कहा सुबह जल्दी नहा लो, पूजा होती है बालकनी में या टेरेस पे, तो जल्दी नहा के टेरेस में गए तो पड़ गए बीमार, और आज तो उठे ही हैं सुबह। यार उठे तो मतलब क्या, कल रात भर 1 बजे से मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर सो नहीं पाया हूँ, और सब सामान मेरे पास में लेके सोया हूँ। स्टीमर रात भर स्टीमिंग करता रहा, देन देर इज़ अ हॉट वाटर बॉटल, विक्स, इनहेलर, कंठ सुधारक एंड अ नैपकिन। पूरी रात नोज़ ब्लॉक रहा, और ये ब्लॉक नोज़ के साथ सोना हो नहीं पाया पूरी रात। तो यार आई एम वेरी मच कंसर्न कि आज दिन भर की क्लासेस कैसे होगी। सुबह 7 बजे इंटरमीडिएट की स्पेशल क्लास थी, उसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कल पे। आई डोंट थिंक आई एम इन पोजिशन टू टेक यूट्यूब क्लास, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock नाउ, सो यूट्यूब की क्लास तो नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आई हैव टू विजिट डॉक्टर वंस अगेन। सो मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है स्वाति, मुझे मेडिसिन बता दो यार एक बार। तो यहाँ पे एक सेकंड यार, स्वाति मैम मेडिसिन ले रही है मुझे। और डे वन पे तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, तो कल जाके वापस दिखा के आए डॉक्टर को, तो एक इंजेक्शन भी लिया, और ये आप देख रहे हो बहुत सारी मेडिसिन चल रही है यार। कितनी कोशिश के बावजूद भी यू नो चीज़ें स्टेबल नहीं होती है ना, तो आप 2 दिन अपने काम से दूर रहो ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर भरती जाती है। ये ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटी सिर्फ आप लोगों में नहीं, हम लोगों में भी आती है। तो इट्स डे 2, आई एम स्टिल सिक नाउ। कल डॉक्टर को वापस दिखाया, कुछ बेटर नहीं हुआ, इंजेक्शंस लिए, वापस एम एन का, मेक मी रेडी टू टेक अ क्लास। तो कल पूरे दिन मैंने कोई क्लास नहीं ली, सिर्फ मिशन सक्सेस बैच का 1 घंटा मैंने क्लास ली, और उसमें भी 2 घंटे की क्लास में से 1 घंटे के बाद आई वॉज हैविंग वॉमिटिंग सेंसेशंस। कल पूरा दिन और आज भी इतनी नेगेटिविटी हो रही है माइंड में। एक दिन क्लास नहीं लेते तो ऐसा लगता है एवरीथिंग विल गेट ओवर। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि 1-2 दिन अगर आप वो काम नहीं करते हो जो आप करते हो, जो शॉप वाले हैं वो दुकान नहीं जाते हैं, जो जॉब वाले हैं वो काम पे नहीं जाते हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब अब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या हमारे जो भी लोग हैं ना, वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम बहुत पीछे चले गए। बहुत हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है, वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन। आपको इस सिचुएशन से पहले बाहर आना है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप जाओगे अपने बैटल फील्ड पे परफॉर्म करने, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्पॉइल इट। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टीम ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को इससे बाहर निकालूँ, और होपफुली कि मैं आज एक क्लास ले पाऊँ। तो इट्स आई थिंक 5:30 इन द मॉर्निंग, और 7 बजे की मेरी क्लास है। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है क्योंकि फीवर है। कोशिश कर रहा हूँ यार कि 7 o'clock की कॉस्टिंग की क्लास मैं ले पाऊँ, देखते हैं। Thank you.
हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू बैक टू दिस वंडरफुल क्लास। आज हम हैं लेक्चर नंबर 89 में सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये स्पेशल क्लास, और मैं हूं आपका और सर आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का इस क्लास में स्वागत। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों के साथ नहीं ले सका, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट मुझे पता है कि आप लोगों की एग्जाम नजदीक आ रही है और सिलेबस खत्म करना है, आप लोगों को रिविजन करना है, तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर योर विशेस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, तैयार हूँ और आप लोगों के लिए क्लास लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्ट्रेट अवे मूव अहेड। तो कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर 88 में होमवर्क दिया था, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 89। दोस्तों फाइनली मैंने आज की क्लास ले ली है, 7 बजे से 9 बजे की क्लास थी सीए इंटरमीडिएट की और स्पेशल क्लास थी यार। पर मैंने बच्चों को स्क्रीन पे वो सब कुछ नहीं दिखाया जो यहाँ पे है, बट इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मुझे लगता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बच्चों को बिल्कुल अपनी हेयर स्टाइल नहीं दिखाई स्क्रीन पे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाने लायक है ही नहीं, और ये जितना भी तामझाम आपको यहाँ टेबल पे दिख रहा था ये नहीं दिखाया, बट ये बिहाइंड द सीन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ के लिए और सॉरी कहना चाहता हूँ अनएकेडमी को और सभी बच्चों को जिन्होंने आज की क्लास अटेंड की है, मैं सॉरी इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेयरिंग अनएकेडमी टी शर्ट। मैं इसलिए नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि 2 दिनों से नहाया नहीं हूँ मैं, बुरी तरह बुखार में हूँ, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं ये टी शर्ट वगैरह चेंज कर सकूँ, इसलिए मैंने अपने जैकेट को ऊपर तक जिप कर लिया था ताकि मैं अनएकेडमी के कोई रूल्स को ब्रेक ना कर दूँ। अरे यार मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी नहीं पता कहाँ से एनर्जी आई, कैसे आई, 2 घंटे की क्लास ली मैंने, 2 घंटे की थी, 15 मिनट मैंने एक्सटेंड किया। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे आज सुबह कहा था कि बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर आती है जब आप यू नो अपने काम से दूर होते हो, यू अवे फ्रॉम योर डेस्क योर वर्क। आप लोगों को लगता है कि यार मेरी दुकान मैंने नहीं खोली है 2-4 दिन तो मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं अपने जॉब पे नहीं गया हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ खत्म हो गया, यू फील इट्स एवरीथिंग इज़ ओवर। बट मैं सबको बताना चाहता हूँ एवरीथिंग इज़ नॉट ओवर येट, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी के साथ हमको लड़ना है। एक बहुत छोटा सा शब्द ये बताना चाहूँगा ब्लॉग खत्म करने से पहले, रिट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। रिट्रीट का मतलब हो गया अगर आपको एक कदम पीछे ले रहे हो, तो ये जो एक कदम पीछे आप ले रहे हो ये इसलिए ले रहे हो ताकि आप आगे और भी ज़्यादा एनर्जी से और भी ज़्यादा फोर्स से बढ़ सको, इसीलिए आप एक कदम पीछे ले रहे हो। एक कदम पीछे लेने का मतलब हमेशा हारना नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज का मेरा ये व्लॉग यहीं मैं एंड करता हूँ। मैं आपके साथ बस ये बिहाइंड द सीन शेयर करना चाहता था, नहीं पता यार मेरी कौन सी स्टोरी, मेरा कौन सा दिन, मेरा कौन सा काम आप लोगों को मोटिवेट कर जाए, बट इतना बता रहा हूँ आज की बाकी सारी क्लासेस मैंने कैंसिल कर दिया, यूट्यूब पर मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। आई थिंक मैं 2-3 घंटा रेस्ट कर लूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे दोपहर में वापस क्लास है, मिशन सक्सेस बैच है और शाम को स्पेशल क्लास भी लेना है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और यही कहना चाहूँगा पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। गुड डे, चलो।